आपने बहुत सारी शादियां देखी होंगी, बहुत सारे बारात निकलते हुए भी देखे होंगे, लेकिन यकीनन आप ऐसा बारात और शादी पहले कभी नहीं देखे होंगे। आइए जानते हैं इस अजीबोगरीब शादी के मामले में। झारखंड के पलामू में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दूल्हा एम्बुलेंस में बारात लेकर आया और स्ट्रेचर पर बैठकर दुल्हन के साथ फेरे लिए। शादी का ये अनोखा नजारा मेदिनीनगर के शाहपुर स्थित कोयल रिवर व्यू होटल में देखने को मिला। दरअसल एम्बुलेंस वाले इस बारात की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। जानकारी के मुताबिक दूल्हे ने किसी शौक या मजे के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि इसके पीछे उसकी एक मजबूरी थी। दरअसल 25 जून को गढ़वा जिले के कांडी गांव निवासी चंद्रेश मिश्रा की शादी पनेरी बांध निवासी प्रेरणा मिश्रा संग तय हुई थी। दोनों परिवार शादी को लेकर काफी उत्साहित भी थे, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही चंद्रेश का एक्सीडेंट हो गया। इस सड़क हादसे में उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि पैर ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, जिस कारण घर वालों ने तय किया शादी का तारीख बदलने का कोशिश किया। लेकिन शादी में होटल आदि की बुकिंग में दुल्हन पक्ष का काफी खर्चा हो गया था। ऐसे में यदि शादी की डेट आगे बढ़ जाती तो उन्हें उसके अलग से चार्ज देने पड़ते। दूल्हे ने अपने होने वाले परिवार की परेशानी को समझा और अपने घर वालों से कहा कि शादी तय तिथि में ही करेगा, भले ही उसे एम्बुलेंस में बैठकर ही शादी के मंडप तक क्यों न जाना पड़े। दूल्हे की बात सुनकर घर वाले भी राजी हो गए। वहीं इस बात को सुन के सभी लोग दूल्हे पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसा दामाद हर किसी के घर में होना चाहिए, जो अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने पत्नी के परिवार को भी समझे और उसे भी महत्व दे। बता दे कि ये शादी बिल्कुल विवाह फिल्म की याद दिलाती है। जैसे विवाह फिल्म में अमृता राय घायल हो जाती हैं और अस्पताल में ही शाहिद कपूर उनसे शादी कर लेते हैं, ठीक उसी तरह ये भी घायल हो गए और उसी हालत में एम्बुलेंस में बैठकर ही स्ट्रेचर पर शादी करने के लिए आ गए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।